प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय राजस्थान दौरे पर हैं। यहां पर पीएम मोदी 58वीं DGPIG कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस दौरान वे कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह सभी एजेंसियों के प्रमुख मौजूद रहेंगे। DGP कानून व्यवस्थाओं को लेकर रिपोर्ट पेश करने वाले हैं। लंच के दौरान पीएम का सभी अधिकारियों के साथ 1-to-1 संवाद भी हुआ। दरअसल पीएम मोदी राजभवन से राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर पहुंचे। यहां गृह मंत्री अमित शाह अजीत डोभाल ने उनका स्वागत किया और इसी के बाद मोदी को कॉन्फ्रेंस हॉल में लेकर जाया गया, जहां मोदी एक राज्य के DGP से मुलाकात की। कॉन्फ्रेंस के जरिए आपको बता दें कि दूसरे दिन सुरक्षा, देशद्रोह, सदन में हाल ही में पास हुए कानून, बॉर्डर सिक्योरिटी, सामरिक सूचना लीक होना, साइबर अटैक सहित 14 अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इधर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सामने हर राज्य के DGPIG और राज्य की कानून व्यवस्था की रिपोर्ट रखने वाले हैं। इसी के साथ DGP की ओर से दी गई रिपोर्ट पर पीएम मोदी गृह मंत्री से कोई भी सवाल कर सकते हैं। DGP को लेकर सवालों का भी जवाब देना होगा। वहीं दोपहर बाद 1 घंटे के लंच के दौरान मोदी सभी से 1-to-1 संवाद भी करेंगे। इसी मीटिंग के दौरान मोदी और अमित शाह सभी अधिकारियों की टेबल तक जाएंगे, जहां उनके साथ लंच शेयर करेंगे, जिसमें देश भर के 28 राज्यों के DGIG और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के IG शामिल हो रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए आपको सीधे लिए चलते RIC, जहां पर हमारे संवाददाता सुरेश गोयल मौजूद है। जी सुरेश, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ नई अपडेट है? जी जी निशा, आपको मैं बता दूं कि आज जो IG और DG जो कॉन्फ्रेंस थी उसके 4 सेशन थे, और 4 सेशन थे। लंच से पहले 3 सेशन हुए, और उसके बाद में जो तमाम जो राज्यों के जो DG थे उनसे 1-to-1 जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है अमित शाह उनका संवाद हुआ है, और उसके बाद में जो लास्ट सेशन था वो जारी है। और ये लास्ट सेशन था वो ह्यूमन ट्रैफिक को लेकर, ये लास्ट सेशन है वो जारी है, और इसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो 8:30 और 8 बजे के बीच में राजभवन जाएंगे। कल जो है इस कॉन्फ्रेंस का 3रा दिन होगा। अभी जो 3 सेशन जो सुबह चले उनमें खालिस्तान, आतंकवाद को लेकर और साइबर क्राइम को लेकर और कानून में जो बदलाव किया गया उनको लेकर जो ये सेशन है वो उन पे चर्चाएं हुई। सबसे अहम जो चर्चा है वो साइबर क्राइम को लेकर हुई है, क्योंकि साइबर क्राइम में जिस प्रकार से जो साइबर क्राइम के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, उसको लेकर सबसे जो गहनता से जो चर्चा है वो की गई है, किस प्रकार से साइबर क्राइम है उसको रोका जाए। तो इन जो तमाम जो बातें हैं उनको लेकर आज इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा की गई। जो तमाम जो देश के जो DG IG थे उनसे संपर्क किया गया, उनसे बातचीत की गई, 1-to-1 संवाद किया गया, और उनसे क्या कुछ राज्यों में जो हाल है पुलिसिंग के उनको लेकर और पुलिसिंग को किस प्रकार से बेहतर उसमें सुदृढ़ता की जाए उसको लेकर जो चर्चाएं हैं उनसे 1-to-1 वो की गई। जी निशा बिल्कुल सुरेश जी, आगे क्या कुछ कार्यक्रम है? एक लास्ट सेशन आपने बताया कि लास्ट सेशन हो चुका है, इसमें कई मुद्दों पर चर्चाएं की गई हैं। जी जी निशा, अब जो सेशन जो चल रहा है 1-to-1 के बाद में जो सेशन है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर जो सेशन है वो जारी है, और इस सेशन के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक संवाद होगा, और उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 बजे राजभवन जाएंगे, और रात्रि जो विश्राम है वो राजभवन में इनका जो ठहराव है वो किया गया है। अमित शाह है उनकी अलग व्यवस्था की गई, और जो तमाम जो IG और DIG हैं उनके जो रहने की जो व्यवस्था है वो विधायक आवास में और जो सरकारी आवास है उनमें की गई है। जो इनको लेकर तमाम जो आज की जो पूरी जो दिनचर्या थी, क्योंकि 8 घंटे का जो समय है वो बीत चुका है, और अब जो 2 घंटे हैं उन 2 घंटों में यही मंथकन्ना होगी कि देश की जो आंतरिक सुरक्षा है उस पर किस प्रकार से उसको बेहतर किया जाए, और इन तमाम जो विषय हैं उनको लेकर जो ये चर्चाएं दिन भर की गई। आज 2रा दिन था प्रेस कॉन्फ्रेंस का। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 4 सेशन हुए, कल की अगर बात करें तो कल कितने सेशन होने वाले हैं? जी
जी निशा, कल ये जो टोटल सेशन है वो 11 सेशन है, जिनमें जो 2 सेशन कल हुए और 4 सेशन है वो आज थे। अब जो जो 5 सेशन जो बचे हैं वो कल होने हैं। अब कल वही सुबह से वही 4-5 बजे तक का जो समय है उनमें जो सेशन है वो होंगे, वही आईजी डीआईजी से संपर्क बातचीत की जाएगी। और हमारे साथ और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता है हनुमंत सिंह चारण, उनसे हम बात करेंगे। हनुमंत, कल का तीसरा दिन है कॉन्फ्रेंस का, और क्या कुछ विशेष जो चर्चाएं हैं वो होनी है कल के सेशन में? कितने सेशन और कल होने? जी बिल्कुल, आज ये कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन है और कल तीसरा दिन, अंतिम दिन है। और कल प्रधानमंत्री खुद इसी कल के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। कल 4 बजे तक जो है प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। कल भी जो जो विषय हैं, अलग अलग मुद्दे हैं, चाहे साइबर सुरक्षा की जिस तरीके से आज चर्चा की, इसके अलावा खालिस्तान को लेकर चर्चा की, बीजेपी ने प्रेजेंटेशन दिया, ये तमाम तरह के जो मुद्दे हैं जिन पर यहाँ प्रेजेंटेशन दिया, प्रधानमंत्री खुद का संबोधन है। तो पूरी जो आज चर्चा हुई, जो बाकी के सेशन हैं वो कल की तारीख में होंगे। और कल ये कॉन्फ्रेंस का समापन भी होगा, तीसरा और अंतिम दिन रहेगा, और जिसमें कई अहम मुद्दे हैं जिन पर ये चर्चा होनी है। जी सुरेश। हनुमंत, एक आज एक चीज़ देख सुनने को मिली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसको लेकर काले झंडे दिखाने को लेकर कांग्रेस के एनआरसी जो प्रदेश अभिषेक चौधरी है, बात सामने आई कि काले झंडे दिखाने को लेकर धमकी दी गई और उसके बाद उनको नज़रबंद कर दिया गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला है, तो निश्चित रूप से अगर कोई इस तरह की करता है या सोशल मीडिया पर या जहाँ भी अगर इस तरह की बात कही गई, तो इसके बाद एमरजेंसी एक्टिव हुई और जिस व्यक्ति ने ये काले झंडे दिखाने के लिए कहा, अभिषेक चौधरी जो कि एनएसएस से हुए हैं, उनको जो है नर्मदन कर दिया। इसके अलावा और भी कई संदिग्ध लोग हैं, उन पर पुलिस की नज़र रही और पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव रही। तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला था, ऐसे में निश्चित रूप से अगर इस तरीके की कोई बात करेगा तो निश्चित रूप से सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर ये सारे काम उन्हें जरूरी है। जी सर। हनुमंत, और क्या कुछ सुरक्षा को लेकर, आंतरिक सुरक्षा को लेकर और कुछ क्या आज सोचा है, आज कुछ नया क्या निकल के आया जिससे कि जो आंतरिक सुरक्षा है, आतंकवाद है और जो साइबर क्राइम जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ विशेष रहा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से साइबर क्राइम एक बड़ा मुद्दा है और साइबर क्राइम को कैसे रोका जाए, क्योंकि अपराधी हाईटेक होते जा रहे हैं, पुलिस भी हालांकि कुछ टेक्निक इस्तेमाल की है, लेकिन कहीं कहीं के अपराधियों पुलिस पर अभी भी साइबर टेक्निक में भारी पड़ जाते हैं, चाहे मोबाइल का इस्तेमाल हो, चाहे और भी कहीं टेक्निक हो उसका इस्तेमाल हो, सोशल मीडिया पर लगातार लोग धमकी देते हैं। कोई भी वारदात करने के बाद जिम्मेदारी ली जाती है कि हमने इस वारदात को अंजाम दिया है और भी कोई हमारे रास्ते में आएगा, इस तरीके की तमाम तरह की सोशल मीडिया पर दी जाती है। और कहा जाता है कि अपराधी जेल के अंदर भी कई बार अपराध को अंजाम देते हैं मोबाइल और सोशल मीडिया के, तो इसको रोकना कैसे है? साइबर एक्सपर्ट को बुलाया गया, तमाम डीजीपी है, उनका प्रधानमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन हुआ, अलग अलग स्टेट के राज्यों के हालात के बारे में उन्होंने बताया कि हमारे इस तरह की, या अलग राज्य में, किसी अलग राज्य में कुछ और टेक्निक अपनाई जा रही तो दूसरे राज्य में भी अपनाई जाए, किस राज्य में कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल से अपराध पर लगाम हो रही है, कुछ पुलिस जो पुलिसिंग है उस पर गुड गवर्नेंस मिल रहा है तो उसको इस्तेमाल किया जाए। तो ऐसे में प्रधानमंत्री के सामने सभी डीजीपी ने प्रेजेंटेशन दिया, इसके बाद प्रधानमंत्री ने उसको सुना, उसके बाद 1-to-1 संवाद भी हुआ, लंच भी हुआ। तो प्रधानमंत्री पूरी तरीके से इस जो ये कॉन्फ्रेंस है उसमें अमित शाह भी मौजूद है, तो ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो भी मौजूद है अजीत डोभाल। तो इस तरीके से पूरी तरीके से कॉन्फ्रेंस के अंदर लगातार तमाम जो मुद्दे हैं उन पर अभी भी सेशन चल रहा है। करीब 8 बजे के बाद ये सेशन खत्म होने की उम्मीद है और प्रधानमंत्री यहाँ से राजभवन के लिए रवाना होंगे। तब तक यहाँ पर गुड गवर्नेंस कैसे दी जाए, प्लस अगर सुरक्षा और देश की सुरक्षा मजबूत होगी तो देश का विकास भी मजबूत होगा। तो इसी के साथ प्रधानमंत्री पूरी तरीके से यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, तो इतना लंबा वक्त यहाँ पर गुजारना और जयपुर के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हो रही है पहली बार, तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरीके से यहाँ पर मंथन जो हो रहा है, उस मंथन से निश्चित रूप से देश की आंतरिक सुरक्षा और अधिक मजबूत होगी, ऐसा ही मैसेज जो है यहाँ पर सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो इससे कई तरीके की जो देश की सुरक्षा है उसमें नवाचार भी होने की उम्मीद है, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था मजबूत भी होगी। जी सुरेश। जी निशा, तो इस प्रकार से हनुमंत ने बताया कि सबसे ज़्यादा जो अहम जो चर्चा थी, अहम जो मुद्दा था आज का, जो साइबर क्राइम को लेकर था, साइबर जो क्राइम है उसको लेकर ज़्यादा इसमें चर्चा की गई और जो साइबर जो एक्सपर्ट है उनको भी बुलाया गया और उससे ये जाना गया कि किस प्रकार से जो साइबर क्राइम है उसको उस पर को रोका जाए। तो तमाम जो ये चर्चाएँ थी, आतंकवाद हो, साइबर क्राइम हो या फिर बाद में जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, तो इन पर जो चर्चाएँ हैं वो लगातार की गई।
अब कल के जो सेशन है, 5 सेशन और कल होने हैं, और कल और भी कई जैसे सुरक्षा को लेकर कई मुद्दे हैं, उन पर चर्चाएँ होगी। जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री ने सभी से 1-to-1 संवाद किया, और कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे राज्यों के जो DG हैं जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रिशिएट भी हुए कि उन राज्यों में जो बेहतर जो सुरक्षा को लेकर जो बेहतर प्रदर्शन है उनका है, और क्या कुछ और नया सुरक्षा की दृष्टि से कर सकते हैं उसको लेकर जो तमाम जो चर्चाएं हैं वो विस्तृत रूप से आज इस कॉन्फ्रेंस में की गई। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए सुरेश।